नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि एक ये नोटिफिकेशन किसी ने अपलोड किया है और ये बहुत वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, कि ये डेट है क्लियर कर दी गई है कि मेडिकल डेट है ये। तो ये बहुत व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो इस नोटिफिकेशन को जान लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, या फेक है या सच है। तो जान लेते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, यूपी मेडिकल डेट के बारे में। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि कब से कब तक आपका मेडिकल होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है। तो ये आपकी 9 तारीख की अपडेट है, 9 तारीख से आज आपकी 11 तारीख है। 9 तारीख से 11 तारीख तक इतना वायरल हो चुका है ये मैसेज कि आप खुद भी जान नहीं सकते। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बाँच करना। देख सकते हैं, आरक्षित नागरिक पुलिस व आरक्षित पुलिस प्रदेशी अमर कनेस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती फरवरी 2018 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता में पास होने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट व मेडिकल के संबंध में। तो देख सकते हैं, ये 9 फरवरी को पब्लिश किया गया है मैसेज। तो क्या पब्लिश किया गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। और जो पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए, जानकारी हमारी फेक है या गलत है, तो सच है या गलत है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यह जान लेते हैं पूरी। तो यहाँ पे दिया गया है, आरक्षित नगरी पुलिस व आरक्षित प्रादेशिक अमर कन स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती फरवरी 2018 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता में पास होने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट के दिनांक 12 फरवरी को शाम 8 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है किसी भाई ने, और साथ ही हमारी वेबसाइट पर मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल दिनांक 15 फरवरी से 18 फरवरी तक जिला अस्पताल में कराए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, कितनी आसानी से यहाँ पे क्लियर कर दिया किसी भाई ने कि वह आपके नज़दीकी अस्पताल में 15 से 18 फरवरी तक ये चलने वाला है, और मेडिकल में पास होने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 1-3 को परीक्षण ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने की संभावना है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी बोल दिया है भाई ने, देख सकते हैं। तो ये थी, अगर जो आपको लगता है ये गलत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और सच है तो ये भी हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर मैसेज। तो जानते हैं दोस्तों क्या है ये, क्या ये सच निकलेगा या गलत निकलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। फिर से नमस्कार।